mini bamboo cow shed, bamboo motor pump. एक गांव में विक्की नाम का एक बच्चा रहता था। विक्की के पिताजी गणेश 10 एकड़ के खेत में खेती बाड़ी का काम करता था। विक्की की माँ आरती गायों को पालकर दूध का व्यापार करती थी। एक दिन गणेश खेत से घर आने के बाद उसे विक्की गौशाला को साफ करते हुए दिखाई दिया। वो देखकर गणेश को बहुत गुस्सा आया। अरे हो विक्की, पढ़ाई किए बिना ये क्या कर रहे हो, कहकर जोर से चिल्लाया। जब विक्की कुछ कहने ही वाला था, उसके ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो, उसे वो काम करने के लिए मैंने ही कहा है। कलेक्टर बनने वाला बच्चे के हाथ में गोबर का सफाई करवाती हो। देखिए आप गुस्से किए बिना मैं जो कह रही हूँ वो थोड़ा आराम से सुनिए। हमारे विक्की चालाक है, वो जैसे भी कलेक्टर बनेगा। हम कितना मेहनत कर रहे हैं हमारे बच्चों को भी तो पता चलना चाहिए। क्या पता कल का दिन कैसा आएगा। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। आज वो जो छोटा छोटा काम सीख रहा है कभी किसी रूप में उसका उपयोग आ सकता है। इसलिए उसका होमवर्क पूरा खत्म होने के बाद इन गायों का पालन का काम सिखा रही हूँ। कल परीक्षा होने के बाद आपके साथ खेत ले जाकर खेती का काम भी सिखाइए जी। हाँ पिताजी, हमारे टीचर ने भी सब काम सीखने के लिए कहा थे। हमारे गाय मुझे बहुत पसंद है। छुट्टियों में खेत में आपके साथ आकर ट्रैक्टर से खेत जोतना भी सीखूंगा। वैसे ही पढ़ाई में भी ध्यान दूंगा, जरूर कलेक्टर बनूंगा पिताजी। जब तुम माँ बेटे दोनों ने ठान लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। बाद में छुट्टियों में विक्की खेत में जाकर गणेश से खेती का काम सीखा। थोड़े दिन के बाद गणेश और आरती एक एक्सीडेंट में मर गए। उनके रिश्तेदार सब लोग उनके घर में आकर घर और खेत को हड़प कर विक्की को घर से बाहर निकाल दिए। विक्की को कहां जाना है और क्या करना है कुछ भी समझ में नहीं आया। उसके गांव के नदी के पास जाकर वहां किनारे पर एक नाव जो था उसमें जाकर सो गया। उस रात वो नदी का पानी बढ़कर विक्की जो सो रहा था वो नाव पानी में बह गया। जब विक्की ने आंखें खोलकर देखा तो वो एक लिलीपुट का राज्य में था। वो वहां कैसे पहुंचा विक्की को कुछ भी समझ में नहीं आया। थोड़ी देर के बाद वो सोया हुआ नाव पानी में बहकर उधर आया होगा सोचा। विक्की लिलीपुट के राज्य में पैदल चलते हुए जा रहा था। तब विक्की को रास्ते भर में बैम्बू दिखाई दिया। जहां भी देखा तो गाय अपने मर्जी से घूम रहे थे। एक जगह पर सब लिलीपुट इकट्ठा होकर लिलीपुट के युवराज को बलि देने के लिए जा रहे थे। सारे लिलीपुट रो रहे थे। तब विक्की उनको देखकर रुकिए रुकिए कहकर जोर से चिल्लाया। सब लोग हैरान होकर विक्की के तरफ देखने लगे। हमारा ग्राम देवता क्रोधित हो गई है, इसलिए हमारे युवराज को बलि चढ़ाने वाले हैं। अगर बलि नहीं दिया तो हमें कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलेगा। अब लोगों को खाने का बंदोबस्त मैं करूंगा, ये बाली को बंद कीजिए। तब सब लिलीपुट विक्की के तरफ हैरान होकर देखने लगे। देखिए मुझे 3 महीने का समय दीजिए, अगर मैं आपको खाने का बेल जुगा कर नहीं दे पाया तो तभी आप लोग आपके युवराज के साथ साथ मेरा भी बलि चढ़ाइए। तब सब लोग थोड़ा पीछे हट गए। मेरा जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, लेकिन अभी भी मेरा जान को बचाना तुम्हारा हाथ में ही है। मेरा चाचा जी इस राज्य को हड़पने के लिए और मुझे मारने के लिए ऐसा षड्यंत्र किया, सही समय पर आकर तुमने मुझे बचाया। मैं भी तुम्हारे साथ ही रहकर मदद करूंगा। तब विक्की ने उस गांव में जहां मिला वहां पर पागल जैसे बैम्बू को काटने लगा। फिर उन कटे हुए बैम्बू से गायों के लिए शेड बनाया। हर जगह घूम रहे गाय को लाकर उस बैम्बू शेड में बांध दिया। बैम्बू काटकर उनसे बनाया हुआ ट्रैक्टर से खेत को जोतकर उसमें बीज बोया। बैम्बू से बोर खोदकर उस पंप से पानी खेत में पहुंचने का बंदोबस्त किया। फिर पंप का पानी से खेत को और गायों को उपयोग होने का बंदोबस्त भी किया।
तीन महीने होने के बाद खेत में फसल उगने लगे। सब गाय भी अच्छे से बनकर दूध देने लगे। वो सब देखकर लिलीपुट का महाराज विक्की को बहुत अच्छे से आदर किया। युवराज का जान बचाने के बदले में पूरा नाव भर के थैलियों में सोना देकर उसका देश में भेज दिया। तब विक्की अपने मन में, माँ उस दिन अपने घर के काम सिखाने के वजह से ही आज मुझे वो काम आया, सोचा। फिर विक्की मेहनत से पढ़ाई करके बड़ा होकर पिताजी को जैसे कसम किया था वैसे ही कलेक्टर बन गया।